हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर इज कंटिन्यू। तो इसमें देखिए हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले देखिए 11 वीडियोस शेयर हो चुकी हैं आपके लिए, तो ये 12th वीडियो इस चैप्टर की है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है एक, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वेविंग खादी। तो महात्मा गांधी ने स्पिनिंग यार्न, धागा की बुनाई और खादी की कपड़े के लिए क्यों जोर दिया था। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर आर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। तो हमारे कंट्री के लिए क्यों जरूरी है कि मिल सेक्टर का लूमेज पावर लूम और हैंडलूम से लोअर होना चाहिए। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। इंडिया देख किन किन कंट्रीज को यार्न एक्सपोर्ट करता है, जापान। अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर, तो जापान को सबसे ज़्यादा यार्न हमारे इंडिया से जाता है। और दूसरे इम्पोर्टर्स कौन कौन है देखिए, यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनको इंडिया से यार्न एक्सपोर्ट किया जाता है। वी हैव लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। तो वर्ल्ड ट्रेड में हमारे पास कॉटन यार्न का बहुत बड़ा शेयर है। आवर स्पिनिंग मिल्स आर कम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल। हमारी स्पिनिंग मिलें जितनी भी हैं ग्लोबल लेवल पर कम्पिटिटिव हैं, मतलब कंपटीशन कर सकती हैं। एंड कंपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस, और जितना भी फाइबर हम प्रोड्यूस करते हैं उसको वो यूज करने के योग्य हैं। द वेविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो वेविंग का काम, निटिंग का काम और प्रोसेसिंग यूनिट्स जितने भी हैं कपड़े बनाने वाली, कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमारे देश में जितना धागा और कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग यूनिट जितनी है वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का यूटिलाइज नहीं कर पाते। देर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट्स। तो इस सेगमेंट में कुछ बड़ी और मॉडर्न फैक्ट्रियाज भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स में बटा हुआ है, विच कैटर टू द लोकल मार्केट, जो लोकल मार्केट को कैटेगराइज करता है। दिस मिसमैच इज मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। तो यही मिसमैच हमारी इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न विच अपेरल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। तो क्या होता है, देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत से हमारे स्पिनर्स ऐसे हैं स्पिन करने वाले, एक्सपोर्ट कॉटन यार्न, वो कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करते हैं, वाइल अपेरल या गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक, और मैन्युफैक्चरर्स को फैब्रिक इम्पोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वेविंग सेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वान्टिटीज। तो बहुत बड़ी क्वान्टिटी में यार्न एक्सपोर्ट करने के बजाय हमें वेविंग सेक्टर को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन। जबकि हमने क्या किया, देखिए अच्छी क्वालिटी के स्टेपल कॉटन के प्रोडक्शन में हमने काफ़ी बढ़ोतरी की है। द नीड टू इम्पोर्ट इज स्टिल फेल्ट, फिर भी इम्पोर्ट की ज़रूरत अभी भी फील होती है। इम्पोर्ट का मतलब अदर कंट्रीज से मंगाना पड़ता है। पावर सप्लाई इज इरेटिक, तो पावर सप्लाई एक समान नहीं है। इरेटिक का मतलब हुआ इरेगुलर। एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वेविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। तो वेविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर्स में मशीनरी को और ज़्यादा अपग्रेड होने की ज़रूरत है इन पार्टिकुलर। ठीक, अदर प्रॉब्लम्स आर द, तो दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है, द लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। तो लेबर के द्वारा कम से कम प्रोडक्शन होता है और सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के लिए क्या है, इससे हम कंपटीशन
करना पड़ता है, ठीक है।